वेलकम बैक टू SQ1XS एंड वर बैक अगेन विद समथिंग स्पेशल इन फिजिक्स। सिंस बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था ड्यू टू अ प्रॉब्लम इन माय चैनल, बट नाउ सिंस द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड, लेट्स गेट बैक अगेन। एंड आज का जो टॉपिक है वो है फ्लूइड मैकेनिक्स का। एंड लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट समथिंग लाइक NCERT बेस्ड और समथिंग। आज का जो टॉपिक होगा दिस इज गोना बी अगेन फॉर JEE एंड NEET। Since I also received many demands, honestly, कि fluid mechanics again, मैंने fluid mechanics already पूरी playlist है, but I am going to get it covered again, and in just a few days ये पूरा chapter हम लोग cover कर लेंगे of fluid mechanics। तो पहले तो देख लेते हैं fluid mechanics जो है ये basically दो parts में divided है, fluid statics and fluid dynamics का। तो अगर हम लोग देखें फ्लूइड स्टैटिक्स एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, जब फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ते हैं यानी कि जब फ्लूइड्स रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडी, वहां पे आप डेंसिटी एंड प्रेशर मेनली देखोगे, कैसे डेंसिटी कैलकुलेट करोगे, उससे प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो वहां पे वो तो थोड़ा ईजी पार्ट हो जाता है। जब फ्लूइड डायनेमिक्स आता है कि फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सारे पॉइंट सारे मॉलिक्यूल्स ऑफ द फ्लूइड आर फ्लोइंग, उसमें थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। एंड ऑनेस्टली नॉट थोड़ा बहुत, जो जेई नीट का सिलेबस है उसमें तो यू विल नॉट सी लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, बट ऑनेस्टली इफ आई एम टेलिंग कि जो फ्लूइड डायनेमिक्स, अगर इफ यू आर कंसिडरिंग द रियल थिंग ऑफ फ्लूइड डायनेमिक्स यानी कि जब हाइयर लेवल पे पढ़ते हैं, सो इट इज वन ऑफ द, इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स इन फिजिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो हम लोग दोनों कवर करेंगे, ईजिली कर लेंगे फॉर JEE एंड NEET। पहले तो एक फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड बेसिकली होता है कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि इजिली फ्लो कर सकता है, जो कि फ्लो कर सकता है। अब यहाँ पे फ्लूइड्स में बेसिकली दो चीजें आते हैं, एक हो गई हमारी लिक्विड्स, कोई भी आपके पास लिक्विड है वो एक फ्लूइड है, क्यों, क्योंकि लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, राइट। एंड दूसरी हो गई हमारी गैसेस, दैट इज गैस भी इजिली फ्लो कर सकते हैं। अब कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, ऐसे लाइक सब्सटेंसेस होते हैं बेसिकली लिक्विड्स, अगर लिक्विड्स फ्लो करते हैं तो भी इनकी जो वॉल्यूम होती है वो चेंज नहीं करती है, लेकिन जब गैसेस फ्लो करते हैं तो इनकी वॉल्यूम चेंज हो जाती है। एंड इफ यू आर लाइक कंसिडरिंग, आपने गैस को एक कंटेनर में रखा है, जब आपने कंटेनर ओपन किया तो ये गैस जब बाहर आएगी इट विल स्प्रेड आउट इन द एंटायर रूम, इसकी वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। बट इफ यू आर, व्हाट यू आर डूइंग इज, आपने लिक्विड को कंटेनर में रखा है, यू आर स्पिलिंग इट ऑन द फ्लो, लेकिन इसकी वॉल्यूम वही सेम रहेगी। तो यहाँ पे हम लोग जब व्हेन वी मीन बाय फ्लूइड, हम लोग बेसिकली क्या मीन करते हैं, लिक्विड्स। ये सारे क्वेश्चंस गैसेस के लिए भी वैलिड हैं, बट व्हाट वी मेनली कंसिडर इज अबाउट लिक्विड्स। तो लिक्विड्स के लिए देख लेते हैं, पहले तो फ्लूइड स्टैटिक्स से स्टार्ट करेंगे, इसमें टर्म्स कौन कौन से आते हैं, फ्लूइड स्टैटिक में टर्म्स कौन कौन से आते हैं। तो पहले तो हमारा एक टर्म आता है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होती है, वेल डेंसिटी इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर लिक्विड्स और गैसेस और ओनली फ्लूइड्स, डेंसिटी आप किसी भी मटेरियल के लिए डिफाइन कर सकते हो। डेंसिटी बेसिकली आप बोल सकते हो कि कोई भी मटेरियल है, लाइक आपसे आपके पास आयरन है, कोई भी मटेरियल आयरन या फिर स्टील, सिर्फ डिफरेंट पीसेज ऑफ आयरन के पास डिफरेंट मास हो सकता है, डिफरेंट वॉल्यूम हो सकता है, बट इट इज सेट फॉर द सेम काइंड ऑफ मटेरियल, आयरन या फिर स्टील या फिर एल्यूमिनियम, ऑलवेज फॉर द सेम काइंड ऑफ मटेरियल, इसके एक चीज कॉन्स्टेंट होगी, मास एंड वॉल्यूम का रेशियो। एंड दैट इज वाई वी डिफाइन डेंसिटी डिनोटेड बाय द सिंबल रो एज द मास ऑक्यूपाइड बाय अ मटेरियल डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। बेसिकली यहाँ पे वी राइट एक्चुअली डेल्टा एम ओवर डेल्टा वी, ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि हो सकता है डेंसिटी थ्रू आउट इट कॉन्स्टेंट ना रहे, ऐसा भी हो सकता है कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट ना हो, इन सब मटेरियल्स इट हैपेंस, एंड इनफैक्ट इन मोस्ट मटेरियल्स आप देखोगे इट एक्चुअली हैपेंस, एंड दैट्स वाई वी यूज द टर्म्स डेल्टा एम ओवर डेल्टा वी। लेकिन अगर कोई भी आपके पास होमोजेनियस बॉडी है, यानी कि वेन वी स्पीक होमोजेनियस बॉडीज इन फ्लूइड मैकेनिक्स, तो वहां पे हमारा मतलब होता है कि डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, उस केस में ऑल यू हैव टू डू द टोटल मास ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाई द टोटल वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल फॉर द स्पेशल केस की रो इज कॉन्स्टेंट, दैट इज द थिंग, दैट इज हाउ वी डिफाइन डेंसिटी। लाइक से आपके पास, हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास एक आयरन की नेल है, आपके पास एक आयरन की नेल है, एंड एक दूसरा कोई भी आयरन का ऑब्जेक्ट हो जाता है, आपके पास एक रेंच हो सकता है, हाँ, और यहाँ पे हमारे पास एक हो गया एक रेंच, आयरन का है से आयरन का है। तो यहाँ पे जो आयरन की नेल एंड आयरन का रेंच है,
बेसिकली इनके मास डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मास m1, इसका वॉल्यूम v1, इसके वॉल्यूम भी डिफरेंट हो सकते हैं, इसका मास m2, इसका वॉल्यूम v2। लेकिन एक चीज हमेशा, सिंस ये दोनों आयरन के बने, एक चीज कांस्टेंट रहेगी। क्या कांस्टेंट रहेगी? इनकी डेंसिटी। ये भी बेसिकली बोलते हैं कांस्टेंट रहेगी, एक्चुअल में अगर रियली में कंपेयर करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि मटेरियल, सेम मटेरियल के अंदर ही डेंसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है, बट वी आर नॉट कंसिडरिंग अबाउट दैट। हम लोग बस लाइक कॉन्स्टेंट रहती है, दैट इज द थिंग वी आर सेइंग। एंड डेंसिटी, कुछ कॉमन डेंसिटीज लाइक देख ले तो जो वाटर की डेंसिटी होती है, इसको बेसिकली केजी पर क्यूबिक मीटर में मेजर करते हैं। वाटर की डेंसिटी होती है हमारी 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, जो कि होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर के इक्वल। दैट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। एंड रियली दिस इज गोना बी वेरी यूजफुल, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी होती है ये आपको कैलकुलेशंस में बहुत ही यूजफुल प्रूव होगी। डेंसिटी से रिलेटेड एक टर्म होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि इसका ग्रेविटी से कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअल में दिस इज क्वाइट अ लूज टर्म, हम लोगों ने बोल दिया लाइक स्पेसिफिक ग्रेविटी। किसी भी मटेरियल के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग डिफाइन करते हैं उस मटेरियल की डेंसिटी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4.0 डिग्री सेल्सियस। नाउ यू कैन जस्ट इग्नोर दिस 4.0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 4.0 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस टर्म 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, विच इज एक्चुअली 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। जब हमारा टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, उसके साथ वाटर या फिर किसी भी मटेरियल की डेंसिटी भी इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? ऐसा बेसिकली होता है जब आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करता है, जब बेसिकली इंक्रीज करता है तो किसी भी मटेरियल का जो वॉल्यूम होता है वो इंक्रीज करता है। इसकी वजह से क्या होगा? मास तो सेम रहेगा, डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी। दैट इज द थिंग, 4.0 डिग्री सेल्सियस का हमें यहाँ पे डेंसिटी रखना है। सो फॉर एनी मटेरियल दिस इज द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4.0 डिग्री सेल्सियस। दैट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है पार्ट और से अ काइंड ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी हम लोग कैसे बोलते हैं? जैसे हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी को फिक्स रखा है कि ये वाटर के कंपैरिजन में हम डेंसिटी बता रहे हैं, लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी इटसेल्फ बताएं, सो दिस इज, ये हमेशा दो सब्सटेंस के बीच की कंपैरिजन का होता है, लाइक रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्कोहल विद मर्क्यूरी, समथिंग लाइक दैट। सो किसी भी सब्सटेंस का है, दैट इज द फर्स्ट ओवर सेकेंड वाली डेंसिटी, दैट इज हाउ यू डिफाइन रिलेटिव डेंसिटी। तो इतना तो हो गया डेंसिटी में। एंड रिमेंबर, और भी हमारे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, लाइक जो अर्थ पे मोस्ट डेंस सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी है 22,500 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर, विच इज रियली अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेंसिटी। यानी कि आपके पास एक क्यूबिक मीटर है, सो दैट इज 22,500 किलोग्राम का वे करेगा, लेकिन उसकी भी जो डेंसिटी होती है, दिस इज लाइक नथिंग कंपेयर टू द डेंसिटी ऑफ वेरियस अदर थिंग्स। लाइक आप ले लो डेंसिटी ऑफ अ न्यूट्रॉन स्टार, विच इज वेरी मच लार्जर, एंड ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है स्पेशली एट द सेंटर, वो इनफाइनाइट कही जाती है। यानी कि आउट इन अ रीजन ऑफ नो वेयर, लाइक जहाँ पे कुछ भी नहीं है, यू कांट इवन डिफाइन अ मीटर, सेंटीमीटर और इवन अ नैनोमीटर, वहां पे भी देयर इज इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मास और समथिंग लाइक दैट। इसी टॉपिक में हम लोग एक और टर्म डिफाइन करते हैं, प्रेशर का। अब प्रेशर बेसिकली हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जो हमारा फोर्स होता है, ये बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट पार्टिकल पे, लेकिन ये कभी पॉइंट पार्टिकल पे तो एक्ट नहीं करता है। लाइक आपने बोला यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसको मैंने खींचा बाई 20 न्यूटन, लेकिन ऐसा दिस इज रियली नॉट अ रियलिस्टिक सिचुएशन, क्योंकि कभी 20 न्यूटन एक पॉइंट पे एक्ट नहीं करता है, बल्कि ये एक एरिया पे एक्ट करता है। दैट इज द थिंग, हमेशा एक स्पेसिफिक एरिया पे एक्ट करता है। दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसी के साथ हम लोग डिफाइन करते हैं द प्रेशर, जो कि ये फोर्स क्रिएट कर रहा है। अब ये प्रेशर ग्रेविटी की वजह से भी, लाइक वी आर ऑल्सो अप्लाइंग प्रेशर ऑन द ग्राउंड, समथिंग लाइक दैट। सो प्रेशर हम लोग बेसिकली डिफाइन करते हैं, विच इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल टर्म, एंड स्पेसिफिकली हम लोग एग्जाम्पल भी फ्लूइड का लेते हैं कि आपने कोई भी, आपके पास ब्लॉक है,
इसको आपने रख दिया एक लिक्विड में, यहाँ पे आपके पास कंटेनर है, दिस इज हाउ यू मेक इट, एंड ये फ्लूइड है, आपने इस ब्लॉक को रख दिया फ्लूइड के अंदर। अब बेसिकली क्या होता है, सिंस ऐसा भी हो सकता है कि फ्लूइड रेस्ट पे है, दैट इज व्हाट वी आर स्टडी हियर, वी आर स्टडी फ्लूइड स्टैटिक्स, यहाँ पे हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं। तो फ्लूइड तो रेस्ट पे हो सकता है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स उस फ्लूइड को बना रहे हैं, दैट इज द मॉलिक्यूल्स द फ्लूइड इज मेड अप ऑफ, वो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, एंड ये इसके ब्लॉक के साथ कोलाइड करेंगे विद ईच ऑफ इट्स वॉल्स, जिसकी वजह से इस पर फोर्स एग्जर्ट करेंगे। कभी भी आपने किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर रखा, इस पर फोर्स एग्जर्ट कर होती है। अब यहाँ पे इस पर जो फोर्स एग्जर्ट होगी, से यहाँ पे जो फोर्स एग्जर्ट होगी, से एफ फोर्स एग्जर्ट हो रही है, एंड दिस एरिया इज, दिस स्पेसिफिक क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, तो हम लोग प्रेशर डिफाइन करते हैं ऑन द सर्फेस एज एफ डिवाइडेड बाई ए, दैट इज हाउ वी डिफाइन प्रेशर। अब ये एक होमोजीनियस बॉडी है, तो ऑन ईच ऑफ इट्स वॉल्स एफ बाई ए प्रेशर एक्ट करेगा, अगर नहीं है सो जस्ट इन केस वॉट विल हैपन, इट इज डी एफ ओवर डी ए। प्रेशर क्या क्या है बेसिकली, प्रेशर पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन होता है, एंड फ्लूइड में तो पॉइंट टू पॉइंट डिफाइन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप इस बॉडी को रखोगे इस लेवल पे, आपको मिलेगा डिफरेंट प्रेशर है, यहाँ पे रखोगे डिफरेंट, यहाँ पे रखोगे डिफरेंट, जैसे फ्लूइड में नीचे जाओगे प्रेशर इंक्रीज करता जाता है, दैट इज द थिंग, दैट इज प्रेशर। तो प्रेशर बेसिकली क्या है, दैट इज डी एफ ओवर डी ए। इसको मेजर करते हैं हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर में, जिसे पास्कल कहा जाता है, सो दैट इज पास्कल। अलोंग विद दिस दैर इज द एटमोस्फेरिक प्रेशर, सिंस हम लोग जानते हैं वी आर इन साइड द एटमोसफेयर, तो बेसिकली यहाँ पे जो भी हमारे एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर एग्जर्टिंग प्रेशर ऑन अवर स्किन, ऑन अवर बॉडीज, तो इससे हम लोग डिफाइन करते हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर। एटमोस्फेरिक प्रेशर बेसिकली इज 180 एम, नॉर्मल सी लेवल पे जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है, ये होता है हमारा 180 एम, वन एटमोसफियर विच इज 1.013 into 10^5 pascals, which is 1.013 bar, that is another unit for pressure. अब यहाँ पे ये हो गया 1.013 × 10^5 pascal, इसका मतलब जो एक पास्कल का प्रेशर होता है वो बहुत ही छोटी वैल्यू होती है, क्योंकि जो हम हमारे बॉडी के ऊपर अभी प्रेशर एक्ट कर रहा है दिस मच लार्ज अमाउंट, बट स्टिल वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी द फ्लूइड दैट इज मेकिंग अस, सो बेसिकली अंदर जो फ्लूइड है लाइक एयर एंड एवरीथिंग, वो भी 180 एम एग्जर्ट करेगा इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, 180 एम के अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट करेगा, नॉट एग्जैक्टली 180 एम फोर्स, बल्कि इतने अमाउंट का फोर्स एग्जर्ट करेगा, एंड द फोर्सेज आर गेटिंग बैलेंस्ड एंड कैंसल्ड आउट, दैट इज द थिंग कि हमें नो नेट प्रेशर फील होता है, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो इंडीड अ वेरी ग्रेट अमाउंट ऑफ प्रेशर इवन टू क्रश अ ह्यूमन बॉडी। तो ये तो हो गया हमारा, एक डेंसिटी टर्म हो गया, एक प्रेशर हो गया। प्रेशर वैरी करता है विद द डेप्थ ऑफ अ फ्लूइड, एंड हम लोग ये भी देख लेते हैं कि एज यू गो डाउन तो कैसे प्रेशर इंक्रीज करता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी पॉज द वीडियो एंड रब ऑल ऑफ इट एंड देन विल मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हम लोगों ने डेंसिटी एंड प्रेशर डिफाइन कर दिया, अब देख लेते हैं कि प्रेशर कैसे वैरी करता है विद द हाइट इन अ फ्लूइड। अभी तक जो हम लोग डेंसिटी एंड प्रेशर बताए, ये नॉट जस्ट फॉर फ्लूइड्स एग्जिस्ट करता है, प्रेशर तो बेसिकली मोस्टली हम लोग फ्लूइड के लिए टर्म यूज करते हैं, इवन डेंसिटी। लेकिन अब हम लोग लेट्स कम इन एक्चुअल फ्लूइड, आप एक फ्लूइड के अंदर हो तो आप कैसे प्रेशर को वैरी करते हुए फील करोगे अलोंग विद हाइट। तो उसके लिए लेट्स टेक एग्जाम्पल, टेक एन एग्जाम्पल सॉरी, यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर है एंड इसमें मैंने रखा है कुछ फ्लूइड, लिक्विड है। अब यहाँ पे हम लोग कुछ लेवल्स डिफाइन कर लेते हैं, पहले तो ये हमारा हो गया ओरिजिन, दिस इज द रेफरेंस लेवल, ये हो गया ओरिजिन। एक हाइट हम लोग डिफाइन कर लेते हैं y1, एक और हाइट y2। इसको लिए इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या कर लेते हैं, ये जो फ्लूइड हमारा है पूरा लिक्विड, इसका एक मॉलिक्यूल ले लेते हैं, या फिर एक रादर देन अ मॉलिक्यूल एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं, फॉर मैनी एलिमेंट्स दैट आर मेकिंग अप दिस फ्लूइड, एक छोटा सा एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट कुछ ऐसा। अब दिस इज एट अ हाइट y1, दिस इज एट अ हाइट व्हाट, इसकी हम लोग कंसिडर कर लेंगे जो विड्थ है, दिस इज समथिंग लाइक h
या फिर लेट्स से फॉर वेरी स्मॉल अमाउंट वैरी कर रहा है, समथिंग लाइक ये हम लोग बोल देते हैं डी वाई, तो दिस इज वाई प्लस डी वाई, इसको वाई रख लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैसे प्रेशर वैरी करेगा। सो फॉर दैट बेसिकली इसका जो ये विड्थ है दैट इज डी वाई, ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल देते हैं ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया ए। एंड तब इसके लिए हम लोग वेट कैसे डिफाइन करेंगे फॉर दिस फ्लूइड, फ्लूइड एलिमेंट है कुछ वेट होगा। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, बेसिकली नीचे पहले तो थोड़ा वेट हो जाएगा दैट इज डी डब्ल्यू। अब डी डब्ल्यू पहले निकाल देंगे, लैटर विल लिस्ट आउट ऑल द अदर फोर्सेस। डी डब्ल्यू हो जाएगा जी टाइम्स में डी एम। डी एम कैसे निकाल लें, डी एम बेसिकली हो सकता है एज रो टाइम्स डी वी, राइट। अब ये फ्लूइड, इसके लिए रो हम लोगों ने कॉन्स्टेंट मान लिया, ये हाइट के साथ टेम्परेचर के साथ लाइक वैरी नहीं करता है, टेम्परेचर को तो हमें वही सेम रखना है, तो रो कॉन्स्टेंट ले लेते हैं। डी वी कैसे निकलेगा, दिस इज रो, डी वी इज वॉट ए डी वाई, राइट। ये हो गया, तो डी डब्ल्यू क्या मिला, रो ए जी, राइट। ये हो गया डी एम डी वाई, कुछ ऐसा मिला। अब बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, नीचे डी डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, सिर्फ प्रेशर भी एक्ट करेगा यहाँ पे। प्रेशर इस हाइट पे क्या बोलेंगे कि यहाँ पे पहली बात तो ऊपर प्रेशर हो गया पी प्लस डी, पी ले लेते हैं, ऊपर का प्रेशर पी, नीचे प्रेशर हो जाएगा पी प्लस डी पी। अब बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये प्रेशर ऊपर फोर्स एग्जर्ट करेगा, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये फ्लूइड इस पे नीचे फोर्स एग्जर्ट करेगा। सो ये फोर्स कैसे आएगा, पहले तो ऊपर ये पी प्लस डी पी वाला दैट इज ऊपर हो गया, सो टाइम्स में ये जो एरिया है मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी आर गेटिंग द फोर्स। तो ऊपर फोर्स कितना हो जाएगा, पी प्लस डी पी टाइम्स में एरिया, नीचे फोर्स एक तो डी डब्ल्यू पहले से था प्लस में ये हो गया पी ए, राइट। अब इसे हम लोग बैलेंस आउट करते हैं क्योंकि ऐसा तो बेसिकली हो नहीं रहा है कि फ्लूइड एलिमेंट गोज अप और डाउन और समथिंग लाइक दैट, ऐसे मूव कर रहा है, ये बेसिकली रेस्ट पे है, दैट इज हमें इक्वेशन को बैलेंस करने, ऊपर वाले फोर्सेस आर इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस। तो अब इसे बैलेंस करेंगे, सो दैट इज पी प्लस डी पी टाइम्स में ए हो गया इक्वल टू वॉट डी डब्ल्यू, तो पहले तो ये हो गया रो ए जी डी एम डी वाई, राइट, प्लस में ये हो गया हमारा पी टाइम्स में ए, राइट, कुछ ऐसा मिल रहा है। अब बेसिकली ए को तो फ्रॉम ऑल थ्री साइड्स कैंसिल हो सकता है, एंड फिर उसके साथ क्या कैंसिल हो सकता है, हियर्स पी, यहाँ पे भी पी है, इसको कैंसिल कर दिया, समथिंग लाइक अ सब्ट्रैक्शन, क्या मिला कि डी पी इक्वल्स वॉट रो डी एम डी वाई, समथिंग लाइक दिस वी आर गेटिंग। अब यहाँ पे ना हम बेसिकली डी एम रादर डी एम नहीं मिलेगा, डी एम हम लोगों ने ऑलरेडी पुट कर लिया है, रो ए जी ये हो गया, रो ए जी भी यहाँ पे हो गया, एंड डी एम तो रख लिए, डी एम यहाँ पे नहीं है एनी लॉन्गर, सो लेट्स रिमूव दिस डी एम थिंग। क्या मिला कि डी पी ओवर डी वाई इक्वल्स रो, एंड जी बेसिकली यहाँ पे है जी, दैट इज हाउ वी आर सीइंग ऑल ऑफ इट वेरीज। अब यहाँ पे बेसिकली ऐसा हम लोग क्या करेंगे कि ये जो डी पी है विच इज इक्वल टू रो जी डी वाई, इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, रो इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द फ्लूइड, जी इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेट कर देते हैं, सो वॉट वी आर बेसिकली गेटिंग इज एट अ हाइट वाई वन ये क्या हो जाएगा, से प्रेशर इज पी वन, एट अ हाइट वाई टू ये हो गया प्रेशर पी टू, इसका मतलब पी टू माइनस पी वन किसके इक्वल हो गया, रो जी y2 माइनस y1, दैट इज p2 माइनस p1 इज रो जी y2 माइनस y1, ये हमें एक इक्वेशन मिल गया। तो अब हम लोग बेसिकली क्या कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई ऐसी एक वैल्यू हो जहां पे प्रेशर समथिंग लाइक एक ऐसा प्रेशर चूज कर सकते हैं विच इज एक्चुअली लाइक कॉन्स्टेंट, जो कि इन ऑल द केसेस सेम ही रहता है, एंड दैट इज गन बी दिस, एक ये जो लेवल है ना, अगर ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं, सो दिस थिंग इज ओपन टू एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पे जो भी प्रेशर होगा ये तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा,
दिस प्रेशर इज ऑलवेज गोना बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो इस केस में अगर आपके पास ये वाली फ्लूइड है, कोई यहाँ पे आपने मर्क्यूरी डाल दिया, एल्गहल डाल दिया, या फिर दूसरी कोई लिक्विड है, वॉटर ही है, बट ये वाला प्रेशर इज ऑलवेज गोना बी सेम बिकॉज इट इज ओपन टू एटमोसफेयर. एंड दैट इज वाई रादर देन डायरेक्टली यूजिंग दिस इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इस लेवल पे एक प्रेशर डिफाइन कर देते हैं विच इज जस्ट द एटमोस्फेरिक प्रेशर. कुछ केसेस में वैरी कर जाते हैं, बट लेट्स से इट पी नॉट. एंड फिर दूसरी एक हाइट डिफाइन कर देते हैं कि यहाँ पे प्रेशर निकालना है, क्योंकि हमें प्रेशर चेंज इन हाइट नहीं बल्कि हाइट के अकॉर्डिंग निकालना है. तो हम लोग बेसिकली क्या किए कि यहाँ पे कुछ ऐसा डिफाइन कर दिया. फिर ये हो गया एक लेवल y1. लेट मी मेक दिस थिंग अगेन. हमें y हाइट पे निकालना है. दिस इज अ हाइट y1, ये एक हाइट हो गया y2. सो बेसिकली क्या मिला कि p2 माइनस p1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, राइट? इतना हो गया. सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि देन एट दिस हाइट जो प्रेशर होगा, से कॉल इट पी नॉट. एंड एट दिस हाइट वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज अ हाइट एच, डेप्थ एच. सिंस वी आर कंसिडरिंग वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज कमिंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन. यही नेगेटिव वैल्यू ले सो इट गोज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. एंड दैट इज अ थिंग, देयर विल कम अ नेगेटिव साइन राइट हियर. सो इसको हम लोग एच रख देंगे. एक्चुअल में नेगेटिव वैल्यू हियर अलॉन्ग विद एच. एंड देन दैट्स पी टू माइनस पी वन, यानी कि प्रेशर एट दिस पॉइंट पी माइनस में हो गया पी नॉट. So P minus P naught is what? Rho G H. Right? So P equals P naught plus Rho G H. And finally we are done with it. What it is actually? कि अगर हमारे पास P naught pressure है at this level, यानी कि at the top level of a fluid, जो कि surface है, surface पे pressure P naught है, तो at a depth H क्या होगा? P naught, बस P naught pressure plus में एक additional amount rho gh, that is the pressure at a depth h. ऐसा भी हो सकता है कि आपने P naught को open to atmosphere रखा ही नहीं, बल्कि P naught यहाँ पे define कर दिया and ये वाला pressure यहाँ पे. तो हमें basically क्या करना है, ये वाली height difference डालनी है and that is, it is finally done. तो this equation is pretty useful. ये बहुत ही useful होता है in fluid mechanics, specifically in fluid statics जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं. यहाँ पे अगर P नॉट को थोड़ा सा आपने बस इस साइड ले लिया, सो दिस इज P माइनस P नॉट इक्वल्स रो जी एच. एक इक्वेशन हमें ये मिल रहा है. आप एक टायर कंसिडर करो. से आपके पास एक टायर है जिसके अंदर हम लोग बेसिकली एयर फिल करते हैं. वहां पे ना वट एवर यू आर सेइंग कि उस टायर के अंदर इतना प्रेशर है, ये एक्चुअल में उस टायर का प्रेशर नहीं होता है, उसे हम लोग गॉस प्रेशर कहते हैं. ये जो टर्म है P माइनस P नॉट, मोस्ट ऑफ द केसेस में एज यू विल सी, जहां पे ये पी एटीएम होता है, दैट इज पी एटमोस्फेरिक, ये 1 atm 1.013 × 10⁵ पास्कल्स, तब ये जो डिफरेंस होता है ऑफ द प्रेशर एंड द एटमोस्फेरिक प्रेशर, इसे गॉस प्रेशर कहते हैं. लाइक समथिंग लाइक आपके पास ये टायर हो गया, इसके अंदर ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, एयर के मॉलिक्यूल्स, ये भी प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, बाहर से भी 1 atm का प्रेशर है. सो बेसिकली जो इसके पास एडिशनल प्रेशर है, यहाँ पे से ये एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर P, एंड बाहर से दैट इज द प्रेशर फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर P ATM. तो P P ATM से जितना बड़े, यानी कि P माइनस P ATM, दैट इज व्हाट वी एक्चुअली मेंशन एज द प्रेशर ऑफ दिस टायर, एंड दैट इज द गॉज प्रेशर. लेट मी राइट दिस थिंग हियर, दैट इज गॉज प्रेशर. एंड जो इसका एक्चुअल में प्रेशर होता है, दिस वैल्यू, दिस इज द एब्सोल्यूट प्रेशर. यानी कि यहां से अगर आप बेसिकली देखो, इस इक्वेशन से आपको एब्सोल्यूट प्रेशर मिलता है एज पी नॉट प्लस रो जी एच. लेकिन अगर आपको गॉस प्रेशर चाहिए, सो दैट इज द एडिशनल अमाउंट टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर, यानी कि पी माइनस पी नॉट. रो जी एच इज द गॉस प्रेशर, उसे में आप बस एटमोस्फेरिक प्रेशर ऐड किए, दैट इज द एब्सोल्यूट प्रेशर. सो दिस इज अबाउट गॉस प्रेशर एंड एब्सोल्यूट प्रेशर. In the next few videos, we'll also look at what are some instruments and devices जिनसे pressure measure करते हैं, density measure करते हैं, and various things like that. And then we'll finally look at something interesting like Pascal's law and Archimedes' principle. And even who can forget, actual में Blaise Pascal. Even जो Blaise Pascal, such a great physicist and mathematician, he was a child prodigy since his age of 10. And
देन विल लुक एट अदर थिंग्स एंड द रियल फन कम्स जब हम लोग फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ते हैं, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज़ इक्वेशन वेरियस थिंग्स लाइक दैट. तो बहुत ही मजा आएगा. बट दैट वॉज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स टू ऑलवेज एंड जय हिंद जय भारत.